दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य निकालने का क्वेश्चन ऐसे दिया गया है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ए का मान हम लोग को कैसे निकाल लेंगे, एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि ए का मान इसमें ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, देखिए, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए के गुणनफल एट है तो इसके शून्य होंगे, मतलब शून्य क्या होंगे इसके। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल वे में कैसे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है गुणनफल, हम लोग का दे दिया हुआ है एट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का इक्वेशन क्या बन रहा है, तो इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए। ठीक है, ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें ए बराबर हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ नहीं है तो क्या रहता है एक, बी बराबर क्या दिया हुआ है तो माइनस का नाइन, और सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट दे दिया है हम लोग का कि गुणनफल दे दिया है एट दे दिया है। ठीक है, गुणनफल क्या दे दिया है एट, तो लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग जानते हैं क्या है कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई क्या होता है, ए। तो देखिए C का मान हम लोग का क्या दिया हुआ है, C का मान देखिए क्या दिया हुआ है A, तो C का मान हम लोग A लिख देंगे, और A का मान क्या दिया हुआ है 1, तो 1 यानी A बराबर क्या लिख सकते हैं, A 1 ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, A बराबर A लिख सकते हैं, तो यानी A बराबर इतना हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कौन है, का मतलब कि शून्यकों का देखिए गुणनफल दे दिया है, गुणनफल क्या दिया हुआ है 8, तो शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिख सकते हैं 8, ए का ए दे ही दिया है, यानी ए बराबर हम लोग का कितना माना जाएगा, ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, तो ए का मान हम लोग का 8 आ गया। तो यही हम लोग को पूछा था, तो हम लोग का पूछ रहा है कि इसके शून्य क्या होंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग 1 होगा और 8 होगा, 1 अपने से लिखेंगे और 8 जो है ये होगा। तो ऐसे ही एकदम ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा दोस्तों, तो आप लोग इसको एकदम सिंपल वे में इसको बना सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसा ही एकदम ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों लाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।